ने शौर्य से कहा कि वो अपना गुनाह एक्सेप्ट कर ले, झूठ ना बोले, सब कुछ कबूल ले। आज तुम्हारी वजह से मेरा शौर्य जेल जाएगा। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों किया उसका ब्रेन वॉश? अरे मैं कुछ भी करती, झूठ सच कैसे भी करके मैं अपने शौर्य को निकालती जेल से बाहर। तुम्हारी तरह यहाँ घर में बैठ के ना टाइम पास नहीं कर रही होती। मेरी बात खत्म नहीं हुई, कहाँ जा रही हो तुम? रुको। अरे तुम बात करी कहाँ रही थी, इतनी देर से चीखी जा रही थी। बात एक शब्द और मत बोलना, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। अरे पप, अभी प्रीता जी कहाँ चली गई? शौर्य मैं जानती हूँ तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं हो, जानती हूँ मैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तुमसे गुस्सा आ जाता है, किसी की बात नहीं सुनते हो, लेकिन तुम इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता, ये भी मुझे पता है। कोई ड्रग डीलर थोड़ी ना हो तुम, तो फिर क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो बताओ मुझे? ये सब ये उस औरत के कहने पे कर रहा है ना? औरत? किस औरत के कहने पे? है एक बहुत ही घटिया और गिरी हुई औरत, और ये उसकी बातों में आ गया है, और उसकी बातों में आके ये सब कर रहा है ना? बोलो। केडी, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूं। मैंने बहुत बुराइयां की हैं, बहुत गलतियां की, और आपको शायद ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं एक बुरा इंसान हूं, क्योंकि मैंने कभी इन गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अपने दिमाग से ये बात प्लीज निकाल दो कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूं और मैं बुरा कभी नहीं कर सकता। तो क्या हो गया तुझे? तो क्यों उस गुनाह को एक्सेप्ट कर रहा जो तूने नहीं किया है? सीरियसली दादू, आपको तो पता ही होगा ना, डैड ने तो आपको बताया ही होगा कि जब मैं अरेस्ट हुआ था मेरे पास ड्रग्स थे। अब इनकार करके झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, ये बात सच है कि मैं अपनी बर्थ मॉम से अलग रहा हूं, मुझे उनका प्यार नहीं मिला है। मुझे इतना प्यार भी मत कीजिए कि मेरी सारी गलतियां नजरअंदाज हो रही हैं। प्लीज। नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बट तू ये ठीक नहीं कर रहा है। डैड, इसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, इसने आज तक कभी किसी की सुनी है जो आज सुनेगा? हैं? सच कह रहा हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये तो कर रहा है कि इसे अभी यहीं पर सुना था। करण चुप कर। लेकिन एक कोर्ट है इसलिए चुप। अब जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। करण शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। आप तो बहुत खुश होंगे ना डैड, मस्ट बी अ वेरी हैप्पी डे फॉर यू। करण 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 तू चल, चलो घर, चल यहां से, चल। पलकी, I'm sorry. अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो या अगर मेरी कोई भी हरकत ने तुम्हें अपसेट किया हो तो शौर्य, तुमने शायद गलती से पलकी का नाम ले लिया ना, तुम्हें शनाया कहना था, तुम मुझे बुला रहे थे ना? नहीं, मैंने सही कहा, मैं पलकी से ही सॉरी कहना चाहता था। No problem. तुम सच में बहुत स्वीट हो शौर्य, इसलिए मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ। आई मीन, तुम इतने अच्छे हो मेरे लिए, तुम मेरी फैमिली की फिक्र कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, है ना? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हम बैठ जाइए।
देखिए, शौर्य लुथरा ने अपनी गलती मान ली है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस ड्रग केस में शौर्य लुथरा को दोषी मानते हुए अदालत यह फैसला करती है। एक मिनट साहब, मुझे कुछ कहना है। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। कहिए आपको क्या कहना है। माय लॉर्ड, मेरा नाम है सैंडी खन्ना और मैं शौर्य लुथरा का दोस्त हूं, और मैं अपने दोस्त को उस क्राइम की गुनाह से बचाने आया हूं जो उसने किया ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा, शौर्य ने अपने लाइफ में ना कभी ड्रग्स किया है, ना खरीदा है, ना बेचा है। ये सब मैं करता हूं, मैं हूं एक ड्रग सेलर। मैं ड्रग्स सेल भी करता हूं और कंज्यूम भी। What? वैसी? ये क्या बोल रहा है? कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? सैंडी। ऑर्डर ऑर्डर। रमन का नंबर तो मैंने इसे दिया था, इतना सच तो वो जानता है, पर वो ये सच नहीं जानता कि इस ड्रग के डील में मैं और रमन पार्टनर्स हैं। तो माय लॉर्ड, शौर्य की कोई गलती नहीं, उसका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। He is innocent. What the hell are you saying, Sandy? तू ये क्या कह रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरे पास वो सारे प्रूफ्स हैं। रमन और मेरे कॉल रिकॉर्ड्स और जो भी हमने टेक्स्ट किया है वो सब मेरे पास है। सैंडी खन्ना की गवाही से यह साबित होता है कि शौर्य लुथरा बेकसूर है। और सारी गलती सैंडी खन्ना की है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, सारी गलती उसी की है। यह अदालत सैंडी खन्ना को गिरफ्तार करने का आदेश देती है और शौर्य लुथरा को बाइज्जत बरी किया जाए। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि सैंडी खन्ना के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। शौर्य, मैंने तुमसे कहा था ना तुम बच जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो तुम बाहर आ गए। शौर्य, सैंडी, वेट। सर, सैंडी थोड़ा रुक सकते हैं? अमीन, मैं अपने दोस्त से बात कर सकता हूँ? क्या किया तूने? क्यों किया ये सब? पहले ये तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम पे इल्जाम लगा रहा था, तुम्हें गुनहगार साबित कर रहा था, अगर तुमने वो गुनाह एक्सेप्ट क्यों किया जो तुमने किया ही नहीं? यही तो प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर, मुझे अरेस्ट किया गया था लेकिन मुझ पर जो इल्जाम लगा था वो गलत था। मैं कोई ड्रग सेलर नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने क्राइम कन्फेस किया मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास ड्रग्स थे, and that's true. Right. उसका अलग केस चलेगा तुम पर। लेकिन इंस्पेक्टर, शौर्य कोई ड्रग सेलर नहीं है। I mean, उसे उस गलती की सजा मिलने वाली थी जो उसने किया ही नहीं। गलती मेरी है, मैं हूँ क्रिमिनल, मैंने क्राइम किया। सैंडी, तू उसे छोड़, तू मेरी बात सुन, मुझसे बात कर।
तू मुझे ये बता, जिस दिन तुझे बेल मिली तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? मैंने मना किया था। हाँ ब्रो, उस रात इन्होंने मुझे तेरे पास आने से मना किया और नेक्स्ट डे मैं तेरे पास आने ही वाला था, पर मेरे डैड ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तुझसे दूर रहूं तो मेरी लाइफ सही होगी। तो फिर तू आज क्यों आया? ये सब क्यों किया? ये सब गलती एक्सेप्ट की, ये सब कैसे हुआ यार? कुछ देर पहले मेरे पास राजवीर की मासी आई थी। व्हाट? राजवीर की मासी? जो मैंने झूठ कहा उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा, और जब मैं उन्हें कहा कि मैंने झूठ नहीं बोला है तो उन्होंने कहा कि वो सब समझती है, सब जानती है। ये मेरी गलती है ब्रो, और मेरी गलती की वजह से तू पछता रहा है। सिर्फ तू ही नहीं, तेरी पूरी फैमिली पछता रही है। यार उन्होंने जो मुझे समझाया ना, मैंने रियलाइज किया कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, ना मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, पर तू एक सच्चा और अच्छा दोस्त है। तू सब कुछ जानते हुए किसी को कुछ नहीं बताया, तूने पूरा क्राइम अपने ऊपर ले लिया। एंड आई एम सॉरी यार फॉर ड्रग डील के पार्टनरशिप के बारे में, मैंने तुझसे छुपाया क्योंकि मैं डर रहा था। तू इतना अच्छा दोस्त है, मैं नहीं चाहता था कि ये सच बताकर मैं तुझसे दूर हो जाऊँ या मेरी दोस्ती टूट जाए। बट यू नो व्हाट, आज जो मैंने सच बोला ये कहीं ना कहीं राजवीर की मासी की वजह से। उन्होंने मुझे सच की अहमियत बताई, उन्होंने मुझे बताया कि सच चाहे तुम कितना भी छुपा लो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। झूठ के सहारे हम जिंदगी जी नहीं सकते ब्रो, इनफैक्ट जो हमारे पास होता है वो भी दूर चला जाता है। बस एक सच बोलने से हम सब कुछ पा सकते हैं। यार वो बहुत अच्छी है, और जिस तरह से उन्होंने मुझे सब बातें समझाई, मुझे नहीं लगता आज तक मुझे किसी ने समझाया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी सच बोलने की। ब्रो तुझे क्या लगता है, ये जो तू बाहर आया है तू मेरी वजह से आया? नहीं, उनके वजह से, उन्होंने तुझे बचाया। हो गया, आज तो तुम बच गए, बट रिमेम्बर अगली बार ऐसी कोई गलती मत करना क्योंकि मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। जिस दिन तुमने वापस गलती की इट्स अ लॉकअप। सो बेटर बी केयरफुल। चले सैनी बाबा, बिठाओ इसे। टैक्सी चेंबूर। शौर्य टैक्सी में बैठ के कहाँ जा रहे भैया? वो टैक्सी का पीछा करो। शौर्य कहाँ चला गया? कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। हमारे सामने तो निकला था, कहाँ चला गया? वैसे मानना पड़ेगा आप सबकी किस्मत बहुत अच्छी है, सही टाइम पर सैंडी आ गया, उसने सच बोल दिया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। वरना शौर्य ने तो अपने लिए कब्र खुद ही खोद ली थी। माता रानी की मेहर है कि सैंडी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। थैंक गॉड, एटलीस्ट सैंडी ने माना कि ये सब उसने किया है, वरना इतने दिनों से तो चुप बैठा था। Thank God, I mean, आज सैंडी चुप नहीं रहा। अच्छा हुआ उसने सच बोल दिया और शौर्य छूट गया। वो कहते हैं ना जब इंसान का दिल जागता है तो वो जिस भी रास्ते पर होता है वो अपने आप अच्छा हो जाता है। बस ठीक वैसे ही आज जैसे शौर्य के लिए सब कुछ अच्छा हुआ, आई होप सैंडी के लिए भी आगे जाकर सब कुछ अच्छा हो। बिल्कुल सही कहा बेटा। मैं काम करता हूँ, जाके ना सैंडी के डैड से एक बार बात करता हूँ। करण, मुझे समझ में नहीं आया तू सैंडी के डैडी जी से बात क्यों करेगा? आप नहीं समझेगी, बात करनी जरूरी है। अरे समझाओगे तो क्यों नहीं समझूंगी? मम्मा मैं आपको बताता हूँ, देखो सैंडी ने आके अपना गुनाह एक्सेप्ट किया, और जो गुनाह उसने एक्सेप्ट किया वो कोई छोटा गुनाह नहीं था, वो बहुत बड़ा गुनाह था। उसके कन्फेशन की वजह से ही शौर्य रिहा हो पाया, आप समझ रहे हो, इसलिए उसके डैड के पास जाना बहुत जरूरी है। हाँ राखी जी, ऋषभ ठीक कह रहा है, आज हमारे बच्चे को बचाया सैंडी ने, उसने सच बोल करके अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन हमारा शौर्य तो बच गया ना। अब सैंडी ने ये सब किया है तो वो शौर्य का दोस्त भी है, हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, और हम करेंगे कुछ नहीं तो कम से कम उसके लिए बेल तो कर ही सकते हैं।
उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। 100% करेंगे। आप समझ नहीं रहे, ये लड़के ना बिगड़े हुए हैं लेकिन बुरे नहीं है, इसलिए इनके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन शौर्य कहाँ है? वो मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे परेशानी हो रही है। घर गया होगा शायद। हाँ, हो सकता है। पर बता के तो जाना चाहिए था ना, ऐसे कैसे चला गया? आप सब जानते हैं वो इतना गुस्से वाला है, उसे गुस्सा आ गया तो हो सकता है घर चला गया हो। अगर शौर्य घर चला गया है तो हम भी घर जाते हैं, शायद शौर्य हमसे पहले घर पहुंच जाए। लेकिन एक बात याद रखना, शौर्य बहुत दिनों के बाद घर आया है। मैं नहीं चाहती कोई उसे डिस्टर्ब करे, वो आराम करे, सुकून से रहे। और प्लीज परेशान मत करना। मम्मी जी, शौर्य को तो कोई परेशान नहीं करता, बस एक ही इंसान है जो उसे परेशान करता है और वो है आपका करण। अब तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या? तेरी माँ ने क्या कहा तुझे? सुनाई दिया ना, शौर्य को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा तू। ना, चलते घर, मैं भी निकलता हूँ घर, माँ से इंतजार कर रही होगी तो। चलो, 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 चल इधर। बाहर आ गया ना, तू मुझसे गुस्सा है पता है? मैंने तुझे थप्पड़ तो मार दिया लेकिन उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैं रो रही थी। आपको पता है जब आपने मुझे थप्पड़ मारा मुझे कैसा लगा? इस पूरी दुनिया में एक आप ही है जिनका थप्पड़ खाने के बाद मुझे चोट अपने गाल पर नहीं दिल पर लगी। इधर बैठ, कुछ खाएगा, कुछ पिएगा? देखा मैंने तुझे क्या कहा था, तू निर्दोष साबित होगा और बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने सच बोल दिया। आप ही ने कहा था ना मुझसे कि सच बोलना, कोर्ट में झूठ बिल्कुल मत बोलना, तो बस मैंने सच बोल दिया। और आपने ये भी कहा था कि अगर आप मेरी माँ होती तो चार थप्पड़ लगाती और मुझसे सच कहने को कहती। आपके एक ही थप्पड़ ने मुझे सच बोलने पे मजबूर कर दिया। और लास्ट मिनट सैंडी ने आकर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मैं बहुत खुश हूं कि तू बाहर आ गया। सैंडी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। मुझे पता है कि आप ही ने सैंडी को बोला था सच बोलने के लिए, तभी उसने जाकर वो सब कुछ सच कबूल किया। तुझे क्यों? सैंडी ने मुझे बता दिया था पहले। I'm really sorry, मैंने आपका दिल दुखाया, आपसे झूठ बोला, मेरी वजह से ये सारा फियास्को। I'm very sorry। मुझे तुझ पे गुस्सा आया था, लेकिन सच्ची बताओ, जो तूने किया उससे ज्यादा गुस्सा मुझे इसलिए आया क्योंकि तूने जो किया उस वजह से तेरा परिवार अरेस्ट हो गया, तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। थैंक यू मॉम। मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ?
क्या? क्यों नहीं? अगर तेरा दिल कहता है कि मुझे मोहन बुलाए तो प्लीज। जिंदगी में न होके भी वो हो न तेरा चोट हो या दर्द गहरा हर एक घाव पे मरहम है तेरा चेहरा तेरा चेहरा Thank you for everything. अब माँ बोला है ना तो थैंक यू मत बोल।